नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक सागर और आज हम बात करने वाले हैं टायर वन आईएसपी के बारे में। ये टायर वन आईएसपी आखिर होता क्या है, राइट? तो पहले सबसे मैंने इंटरनेट की पहले बात करते हैं हम कि इंटरनेट आप तक कैसे पहुंचता है। क्या आपको लगता है कि जियो का खुद का इंटरनेट है? जियो ने खुद इंटरनेट बनाया? नहीं। क्या आपको लगता है आइडिया ने खुद बनाया? नहीं। वोडाफोन ने बनाया? काफी हद तक नहीं। तो आखिर ये कैसे आता है? देखिए, टायर वन आईएसपी वो बड़ी बड़ी इंटरनेट की कंपनियां होती हैं जो सही मायने में इंटरनेट को ओन करती हैं। यही बड़े बड़े पहले सबसे पहले जो नेटवर्क होते हैं इनके, समुद्र के नीचे से तार, फाइबर ऑप्टिक केबल, जो भी जाल बिछा होता है इंटरनेट का। मैं आपको बता दूं, इंटरनेट का मतलब ये नहीं होता है कि आपके घर में इंटरनेट है। नहीं, इंटरनेट मतलब ऐसे कंप्यूटर जो इंटरनेशनल नेटवर्क से इंटरकनेक्टेड है, राइट? एक जाल आप नेटवर्क कह सकते हैं, नेटवर्क जाल आप कह सकते हो, जो कंप्यूटर आपस में दुनिया भर में कनेक्टेड है। मैं इंटरनेट पर कनेक्टेड हूँ और दूसरे के कंप्यूटर कनेक्टेड है, बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, राइट? ये इंटरनेट है। ऐसे में कुछ ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो लागत लगाकर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में या किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में पूरे इंटरनेट के जाल बिछाती हैं। अब वो फिर टायर टू कंपनीज को देती हैं जो उनसे छोटी कंपनीज होती हैं, फिर ऐसे ही वो टायर थ्री को देती हैं और लास्ट में आप तक इंटरनेट पहुंच पाता है। आपने देखा होगा, अगर आप दिल्ली, एनसीआर, फरीदाबाद के एरिया में रहते होंगे तो आपको ऐसे आईएसपी मिलते हैं जो तिकोना ब्रॉडबैंड, इस टाइप के छोटे ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करने वाली कंपनी होती है। ये टायर थ्री होती है, लास्ट में जो होती है। ये खुद का इंटरनेट नहीं होता है, ये टायर टू से लेती है, फिर टायर टू टायर वन से लेती है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहूंगा। वैसे मैं एग्जांपल्स बहुत अच्छे देता हूँ, ऐसा आप लोग बोलते हैं, मुझे भी काफी अच्छा लगता है एग्जांपल्स के साथ समझाना। तो एक सब्जी का एग्जांपल लेते हैं, आपको बहुत ऑड लगेगा लेकिन ऐसे आप समझ जाएंगे। जो खेत में सब्जियां होती हैं, क्या डायरेक्ट फार्मर उगा के आपके घर में खीरे दे जाता है, साग दे जाता है, मूली दे जाता है? नहीं ना, वो पहले मंडी में देता है, सब्जी मंडी, सब्जी मंडी से फिर छोटे दुकानदार फिर आप तक आता है। ऐसे ही टायर वन एसपी जो आईएसपी जो होती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं, वो इंटरनेट का जाल बिछाते हैं, फिर जो इंटरनेट है वो टायर टू को बेचते हैं, टायर टू ऐसे करते हैं, तो फिर ऐसे लास्ट तक पहुंचते हैं, हमारे उसमें आती है। टायर वन आईएसपी जो है, उनके जो नाम है कुछ आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये टायर वन आईएसपीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो सही मायने में इंटरनेट आप तक पहुंचाती है। ये फर्स्ट, सबसे पहले ये होती है। अब एक और चीज होती है, जो आईएसपी आपस में अपने ही लेवल के आईएसपी से कनेक्ट होने के लिए पैसे लेती है या कोई फीस लेती है, वो टायर वन आईएसपी नहीं होती। जो भी टायर वन आईएसपी होती है, वो एक टायर वन, टायर वन, टायर वन बहुत सारी है, वो आपस में कनेक्ट होने के कोई फी नहीं देती है। इनके बीच में ये वॉलंटरी होता है कि आप, मैं एक टायर वन आईएसपी हूँ, तुम भी एक टायर वन आईएसपी हो, तो हम सब मिलके एक इंटरनेट की शुरुआत करेंगे। हम आपस में कनेक्ट होने का कोई पैसा नहीं लेंगे, हम खुद की एक यूनियन बना के चलेंगे कि हम इस पूरी दुनिया के इंटरनेट प्रोवाइडर हैं, हमारे ही तार बिछे हुए हैं, सबको इंटरनेट लेना है तो हम ही से लेना पड़ेगा, राइट? अगर आपस में भी फी लेंगे तो घपला है ना भाई, आपस के मामले में तो चलता है, हम भाई भाई एक जैसे हैं, हम पूरी यूनियन बनाएंगे, हमसे ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, राइट? तो टायर टू वाली जो छोटी कंपनी होती है, वो बोलती है ठीक है, ठीक है, तुम लोग बड़ी कंपनी हो तो हमें थोड़ा इंटरनेट दे दो, तुम 50 रुपये में हमें दे दो, हम 60 रुपये में बेच देंगे, 10 रुपये हमारी पॉकेट में आ जाएंगे, इसमें क्या बुराई है? बोले ठीक है भैया। अब टायर टू ले लेती है, अब टायर टू वाली फिर अपने आपस में जुड़ जा बोलती है कि अरे हम तो टायर टू हो गए, हम तो थोड़ी तो नीचे हैं, सेकंड स्टेज पे। टायर थ्री से बात करती है, तिकोना वाले, ब्रॉडबैंड वाले जैसे होते हैं, जो छोटे छोटे प्रोवाइडर होते हैं, बोलते हैं हाँ इंटरनेट चाहिए तुम्हारी कंपनी को, हम दे सकते हैं, लेकिन हमें 70 रुपये चाहिए, 80 रुपये चाहिए। ऐसे करके इंटरनेट आप तक पहुंचता है, समझ गए आप मेरी बात? कैसे पहुंचता है टायर वन आईएसपी, क्या होती है? मैंने टायर वन आईएसपी के ऊपर काफी कंसंट्रेशन मैंने मतलब इसी कंसंट्रेट इसी पे किया है, तो इस जबान क्या हो रही है, खैर। और उसके बारे में मैं और टायर टू टायर थ्री के बारे में आराम से, मैं कहीं भागा तो जा नहीं रहा, आराम से डिटेल में आपको बताऊंगा इंटरनेट आप तक कैसे पहुंचता है, डिटेल में मजेदार स्टोरीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अगर आप नए आ गए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस करें। हवा बहुत तेज चल रही है, मैं कहीं उड़ ना जाऊं, तो इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लो। उससे होगा ये कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। पता है थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, लेकिन कर लो ना बेयर, क्या होता है, समझा, सिखाने आया हूँ, मजबूरी होती है किसी इंसान की, कौन इतनी धूप में 2 बजे खड़े होकर वीडियो शूट करना चाहता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।